थ्रेशर लगवाएंगे, ये मजदूर हैं अभी काम कर रहे हैं। ये थ्रेशर अभी सेट करके लगाएंगे इधर। ये सेटिंग कर रहे हैं इधर थ्रेशर की, लगाएंगे ये सामने फस। टाइम अभी 9 बजने वाले हैं, अभी भी इनकी सेटिंग चल रही है, थ्रेशर को सेट कर रहे हैं, पता नहीं ये कब चलाएंगे। और अभी भी थ्रेशर चल रही है, देखते हैं कितना टाइम रहती है और कितना कट्टे निकलते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ इनके लिए घर से रोटी लेने, मेरा बाइक खड़ी है। अभी जा रहे हैं रोटी लेने मजदूरों की। ये वाटर है और ये इधर से रास्ता है। ये हमारी खटारा बाइक है, विस्टा को कहते हैं, स्टार्ट चलते हैं घर। हमारा रास्ता है घर जाने का, अल्हम्दुलिल्लाह गांव के करीब पहुंच गए हैं। ये हमारा गांव है, काफ़ी सारी वीडियो मेरे चैनल पर लगी हुई है इस गांव के बारे में। ये सैलाब से मैंने चैनल स्टार्ट किया है। अभी ये हमारा रास्ता है, अभी जाएंगे घर। ये हमारी खेत है दादा की, इस पर घास भैंसों के लिए उगाई है। ये चली गई इधर से इधर तक और इधर भूसा भी रख रहे हैं। ये हमारा कच्चा रास्ता, अब उसे दुआ सलाम कर ली है और इधर ये भूसा उतार रहे हैं गद्दा घाट। चुके विलेज वाले घर और अभी इधर से ये धागा उठाएंगे, ये छोटा जो ये सिलाई करेंगे को। और अभी ये खाना भी तैयार है मजदूरों के लिए, लेकर जाएंगे। ये चावल की रोटी है और इसमें सालन है, सालन में है आलू और बैंगन का सालन, इसमें है दाल। खाना भी अभी उठा के चलते हैं जमीन पर। एक क्यूट बेबी है, इससे भी मिले हैं। थ्रेशर पर खाना उठा लिया है इस छोटे ने, छोटा ख्याल से। वाले हैं और अभी भी थ्रेशर चल रही है, विलेज से हम खाना भी इनके लिए लेकर आए हैं, अब ये खाएंगे। थ्रेशर बंद कर लिया है खाना देखकर, बहुत इनको भूख लगी थी। इनके पास जाते हैं, देखते हैं कट्टे भी गिनती करते हैं कितने कट्टे निकले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह भूस अल्हम्दुलिल्लाह कट्टे बहुत सारे निकल आए हैं, बहुत लीड है पैसों। 3 जरेब जमीन है, 50 कट्टे लेकर आए हैं टोटल और 32 कट्टे भर गए हैं। और अभी इन मजदूरों से पूछेंगे कि पूछते हैं, अंदाजा लगाएंगे इनसे, देखते हैं फिर कितने कट्टे भरते हैं। इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है इसके बारे में। बरगद के नीचे इधर छांव है और ये अंदाजे के हिसाब से पूछते हैं, भाई कितने कट्टे होंगे?
तो मैंने गिनती कर ली है, 32 हैं। आपके हिसाब से टोटल कितने होंगे? टोटल बताओ, अंदाजा लगाओ। 25-25 हो गया। 30 तो हैं, टोटल कितने होंगे जो ये सारा फसल लग जाएगा? तो 21 बोरी हो जाएगी। कितनी? 21 टोटल कट्टे ही हमारे पास 50 हैं। कोई बात नहीं, 10 मिनट रोक लेंगे, दूसरे लेंगे। 50 होगा ना तभी बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, 50 भी हो जाए। चुके हैं, खाना खा लिया है इन्होंने, अभी कम स्टार्ट करेंगे। ये मजदूर हैं, अभी भर गए हैं, बाकी कितनी होगी ये जो फसल पड़ा है गंदम का? ये होगी पता नहीं है, 10 कटे होंगे या 20 होंगे, ये पता नहीं है ना। टोटल 50 कटे लेकर आए हैं, 32 भर गए हैं, क्या ये 50 भर जाएंगे या 50 से ज्यादा हो जाएगा? 50 से ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ये भाई बोल रहा है 50 से ज्यादा हो जाएगा, देखते हैं इंशाल्लाह ऐसा ही हो। भाई ने भी यही बोला है कि 50 से ज्यादा होगी, देखते हैं कितने कट्टे होते हैं। 32 भर गए हैं, हम टोटल 50 लेकर आए हैं। अभी टाइम 11 बज चुके हैं, खाना इन्होंने खा लिया है। ये इधर फसल जमा करेंगे, उसके बाद थ्रेशर लगाएंगे। वो उधर बंदे टाइम अभी 1 बजने वाला है। ये अभी 1:40 हो चुके हैं, थ्रेशर चला गया है और कट्टे जो है टोटल वो 51 हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह टोटल कट्टे जो हुए हैं वो 51 कट्टे फुल हो चुके हैं। इनकी सिलाई भी मैंने कर ली है। अभी ट्रैक्टर ट्राली आएगी, वो देखते हैं कितने टाइम में आती है। छोड़ा गया है घर, वो गाड़ी लेकर खाना खाने, और मैं इस दरख्त के नीचे बैठूंगा। आती है ट्रैक्टर ट्राली तो ये गंदम उठाएंगे और सेल करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और पैसे की बड़ी बहुत लीड है आगे, तो आप समझदार हो, सेलेंगे पैसे। 30 मिनट हो चुके हैं, ट्रैक्टर ट्राली आ रही है और अभी इनको कट्टे गिनती करके देंगे, बाद इसका वजन कराएंगे, फिर देखते हैं आगे क्या होता है, शॉप पर जाते हैं या वापसी विलेज जाते हैं। गिनती कर रहे हैं, ये उठाएंगे वजन, अभी इसका कांटा होगा, उसके बाद सेल करेंगे, पैसे लेंगे वाले हैं। ये छोटा भी साथ है और खटारा बाइक भी साथ है, और देखते हैं कांटा होगा। अभी इसका वजन इधर कांटा कराएंगे, कंप्यूटर कांटा, उसके बाद देखते हैं कितना वजन आता है। सारा काम मुकम्मल कर लिया है और अभी जा रहे हैं सिंधी बुचड़ा शॉप पर, अब जाएंगे घर, उधर नहाएंगे। क्यूट 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 ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश होकर। वाव, कपड़े हो गए चेंज, भी आजान हो चुकी है, जाऊंगा मैं नमाज पर, उसके बाद शॉप पर जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी वुजू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शराब ठीक है? लेकर जाओ, अभी सब्जी लेकर आएगा ये। अल्हम्दुलिल्लाह टाइम अभी 10 बज चुके हैं, नमाज इशा के बाद तरावी नमाज भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है, और अभी हम अपने उस्ताद के साथ बैठे हुए हैं, इधर कचहरी कर रहे हैं। ये उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ भी हैं और 5 वक्त नमाज भी पढ़ाते हैं, बच्चों की भी सबक देते हैं। इनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है, तो इनके साथ भी बैठे हुए हैं। आज मेरे साथ कौन आया है? ये सजाद, ये मोटा और ये छोटा, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा उस्ताद है, और इधर ये मैं हूँ। वीडियो का करते हैं एंड, मिलते हैं न्यू वीडियो में। बाय बाय।